एक गरीब किसान के बेटे को टिकट देकर विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। मेरे नेता बैठे हैं दोनों, मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर कहीं भी मेरी जरूरत पड़ेगी, जान की भी जरूरत होगी, तो इस परिवार के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूँगा। राम राम जी, राम राम। मेरे बहुत ही आदरणीय सतीश बिरादरी के नेता और मेरे भगवान के स्वरूप आने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी प्रधान उदयभान जी और किसान की आवाज हरियाणा प्रदेश के लाडले किसान और खेल खिलाड़ी की आवाज जो लोकसभा में आपका अपना लाडला भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और उनके साथ आए विधायक जयवीर वाल्मीकि जी, हमारे गोवाड़ा से विधायक सुखवीर मलिक जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे सुभाष गांगवली जी, गीता भुक्कल जी, विधायक सुगंधला कटक जी और प्रभारी हमारे पूर्व विधान सिंह दांगी जी और स्टेज पर बैठे मेरे सभी आदरणीय माननीय मेरे नेता और सामने बैठे मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों और मातर शक्ति और प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों, पत्रकार साथी और सोशल मीडिया सब, आपका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आज आपने जो एक विश्वास जताया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी में, आज इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में आपने हजारों हजारों की संख्या में बड़ौदा में पहुंचकर आपने जो मजबूती दी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब ने बताया कि जब मध्यवर्ती चुनाव था और 2020 में जब बड़ी बड़ी बातें कई लोगों ने, अगर यहाँ 2000 करोड़ों का मालिक आएगा, फलाना लखपति आएगा, लेकिन मेरे भगवान स्वरूप मेरे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र एक गरीब किसान के बेटे को टिकट देकर विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। और मैं, मेरे नेता बैठे हैं दोनों, मैं विश्वास दिलाता हूं अगर कहीं भी मेरी जरूरत पड़ेगी, जान की भी जरूरत होगी, तो इस परिवार के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूंगा। एक गरीब किसान का बेटा विधानसभा में पहुंचाने की छोटी बात नहीं, और वो भी मध्यवर्ती चुनाव में, आपके बीच का आपका बेटा, आपका भाई, गरीब किसान का बेटा जो आज विधानसभा में जाने का काम किया। और आपने देखा जब इलेक्शन था या सरकार थी, जो बीजेपी और जेजेपी का ठगबंधन, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, उन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी बातें की, यूनिवर्सिटी बना देंगे, IMT बना देंगे, दो दो महिला कॉलेज खोल देंगे, लेकिन करिया कुछ नहीं। मैंने विधानसभा में भी कहा था, मुख्यमंत्री जी खट्टर को कहा था कि आपने जाना है, हमने आना है, हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, आप पत्थर पत्थर ला दो, यूनिवर्सिटी तो हुड्डा साहब पर बनवा लूंगा, ये मैंने विधानसभा में कहा था। और रही बात IMT की, IMT आपसे दूर नहीं है, आने वाला टाइम आपकी सरकार होगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी होंगे, और IMT इस बड़ौदा इलाके में बनवाने का काम करूंगा, यह आज आपके बीच में कहता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।